सौर पैनल नहीं लगा था तब हमें जंगल से लकड़ियाँ लाना पड़ता था और जंगल में दूर जाना पड़ता था, उधर डर भी लगता है। और लकड़ी से मतलब चूल्हे से बनाते हैं तो धुआँ लगता था, उसमें टाइम भी लगता था। और अब सौर पैनल लग गया है तब से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि सौर की ऊर्जा से ही बनता है खाना और जल्दी बन जाता है और धुआं भी नहीं लगता है। इस गांव की महिलाएं लकड़ी लेने के लिए अब ना तो जंगल जाती हैं, ना ही एलपीजी गैस के लिए इनको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। अब बाचा गांव के लोग चूल्हा जलाने के लिए पेड़ भी नहीं काटते हैं, क्योंकि यहां हर घर में इलेक्ट्रिक सोलर इंडक्शन पर खाना बनता है। गर्मी में अगर लकड़ियाँ जलती है तो उससे मतलब आँखों में ज़्यादा दिक्कत होती थी कि धुआं लगता था और जलन भी होती थी और जलने का भी डर रहता था। खेतों की लहलहाती ये फसलें इस गांव की नियति ही नहीं बल्कि उसकी बदलती तकदीर का जीता जागता उदाहरण है। 2017 से पहले ये गांव भी देश के दूसरे गांव की तरह अपनी उखड़ती सांसों के साथ जीने को मजबूर था, लेकिन समय के साथ उनकी तकदीर के हिस्से में उजाले की दस्तक बारिश की पहली फुहार की तरह उतर आई। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य आदर्श गांव की, जिसका नाम है बांचा। इस गांव के पास उजालों की अपनी ही कहानी है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से रोशन एक खुशहाल हरा भरा गांव बन चुका है। इस लगने में गांव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया सर। इसमें क्या है कि हमारे ये सोलह कूलर लगने में गाँव का सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि ये सारे चीज में हमारा समय बच गया। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का प्रयोग, इमारतों का निर्माण, औद्योगिक विकास, जंगलों की कटाई जैसी गतिविधियों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में काफी वृद्धि की है। जहां एक तरफ दुनिया के सभी देश पृथ्वी के बढ़ते तापमान और पानी की कमी को लेकर चिंतित हैं और इस कोशिश में हैं कि कैसे दुनिया को इससे बचाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ इस गांव ने आधुनिक और परंपरागत विज्ञान के प्रयोग से एक आदर्श गांव बनकर इस कोशिश में अग्रणी भूमिका निभाई है। सोलर चूल्हे सभी 74 घरों में लग गए हैं, तो सभी महिलाएं उसी चूल्हे में खाना बनाती है। जो सोलर सिस्टम लगा है इसमें सारा निशुल्क है और ये सूर्य ऊर्जा से चार्ज होकर और पूरे टाइम खाना बनता है। यह गांव अब पूरी दुनिया में एक अलग ही मिसाल पेश कर रहा है। 2017 तक सूखे और बिजली की कमी से जूझता यह गांव अब सौर ऊर्जा जैसी वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से जहां एक तरफ खुद के लिए बिजली बना रहा है, तो वहीं बोरी बंधान जैसे परंपरागत पद्धति से बारिश के पानी को इकट्ठा कर पानी की कमी को भी पूरा कर रहा है। विद्या भारती शिक्षण संस्थान के मोहन नागर जब इस गांव में पहुंचे तो उनसे गांव की भयावह स्थिति देखी नहीं गई और उन्होंने गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को जुटाने की पहल की। हमने धीरे धीरे उस गांव को एक विकसित गांव के रूप में प्रारंभ किया कि एक जागरूक गांव कैसे बने, और एक योजना आई। IIT मुंबई ने एक चूल्हा बनाया था और वो चूल्हा सौर ऊर्जा से चलने वाला था, इंडक्शन चूल्हा, और वो उसका कहीं प्रयोग करना चाहते थे। जब ये हमको मालूम पड़ा तो हमने उनसे संपर्क किया और भारत सरकार से हमने निवेदन किया पेट्रोलियम मंत्रालय से कि हमको और इसके लिए CSR की जाए और एक गांव में इसका हम प्रयोग करना चाहते हैं। जंगल के गांव में अगर ये प्रयोग होगा तो हम लकड़ी से, धुएं से और तमाम प्रकार की चीज़ों से बचेंगे। तो एक प्रयोग के तौर पर ONGC ने फिर हमको उसके लिए और अनुदान दिया और उस गाँव के पूरे समस्त जितने भी घर हैं वहाँ पर 74 घरों में हमने
और सभी घरों में IIT मुंबई के माध्यम से और सौर ऊर्जा के चूल्हे लगाए, वो भारत का पहला सौर ग्राम और आज बनकर के तैयार हुआ है। गांव वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ना तो उन्हें सौर ऊर्जा के बारे में पता था और ना ही इसके लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों की उन्हें जानकारी थी। इस समस्या का समाधान निकला IIT मुंबई और ONGC के अधिकारियों से। उन्होंने बाकायदा सौर ऊर्जा के उपयोग और उसके उपकरणों के रखरखाव के लिए गांव के ही कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया। यहां पर 74 मकान है और सब में एक 1000 वाट यूनिट का सोलर पैनल सिस्टम लगा हुआ है। उसमें 4 पैनल है और 4 बैटरियां और सोलर चूल्हा लगा हुआ है। एक 48 वाट का चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और एक MCV जो सन एनर्जी को DC में कन्वर्ट करता है। अगर बारिश के मौसम में सनलाइट नहीं भी मिलता है तो बैटरी बैकअप के माध्यम से हम लोग आराम से 5-6 घंटे भोजन बना सकते हैं। बिजली की समस्या तो गांव वालों की दूर हो गई थी, लेकिन सूखे की समस्या अभी भी बरकरार थी। नागर जी के लिए ये भी समस्या थी कि गांव में पानी की समुचित व्यवस्था कैसे की जाए और भविष्य के लिए पानी को कैसे संग्रहित किया जाए। इसके लिए उन्होंने बारिश के बहते पानी को रोकने और उसे संरक्षित करने के उपायों पर विचार करना शुरू किया और फिर बोरी बंधान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। योजना के तहत प्लास्टिक की बोरी में मिट्टी तथा मुरम भरकर बोरियों को चारों तरफ से बांधा गया, जिसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये जो जंगल है पिछले 70-80 वर्षों में लगभग समाप्त हो गए और उसके कारण बैतूल की जलवायु में तापमान में ये वृद्धि हुई और वर्षा निरंतर धीरे धीरे ये कम होती गई। तो हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना इन पहाड़ियों को और फिर से हरी भरी की जाए। और 3 वर्ष पहले हमने गंगा अवतरण अभियान के नाम से और एक अभियान चलाया, जिसमें हमने बैतूल ज़िले की, बैतूल नगर की सभी सामाजिक, शैक्षणिक और पर्यावरण में काम करने वाली संस्थाओं को और इस काम से जोड़ा। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पानी की कमी को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको समझाने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की। तो पानी इसका एक तरफ से निकले, इसके ऊपर से नहीं निकले, इसका ध्यान रखना। तो इतना पानी हमारा भरा रहेगा तो पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, गायों के लिए, सबके लिए पानी काम में आएगा। श्रमदान के माध्यम से वहाँ पर गड्ढे खोदे हैं और उस गड्ढे में लगभग 3 फीट का गहरा गड्ढा है। वहाँ पर हमने ईंट और बोल्डर के कुछ टुकड़े भर दिए हैं और ऊपर रेत भर दिया और वो पूरा का पूरा पानी जमीन के अंदर जाता है। प्रथम बार जब हमने किया इस कार्य को तो कुछ गांव वालों ने कहा कि गवर्नमेंट बड़े बड़े डैम तो बना रही है तो हमारे इस छोटे से गड्ढे के खोदने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जब बारिश की जब शुरू बारिश का पानी इस गड्ढे में गया और वो पूरा का पूरा पानी जब गड्ढे के माध्यम से अंदर गया ग्राउंड के अंदर में, तो उस व्यक्ति ने भी देखा कि बहुत ही सराहनीय कार्य, क्योंकि ये पानी तो बह जा रहा था लेकिन अब इस गड्ढे के माध्यम से ज़मीन के अंदर जा रहा है। तो फिर हमको सभी ग्रामवासियों का और ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ। गांव वालों का भी मानना है कि शुरुआत में ये बेहद ही मुश्किल और खर्चीला काम नजर आया, साथ ही घर के बाकी कामों को छोड़कर सिर्फ इसी काम में लग जाना उन्हें गैर मुनासिब लगा। लेकिन नागर जी की मेहनत और गांव के कुछ लोगों की समझाइश के बाद बाकी के गांव वालों ने इस काम में अपना हाथ बटाना शुरू किया। सबसे पहले गांव के लोगों की मानसिकता तैयार करना, गांव के लोगों को उसके लिए जागरूक करना। तो हमको सबसे पहले गांव की बैठकें लेकर के, महिलाओं की अलग बैठकें, युवकों की अलग बैठकें, बुजुर्गों की अलग बैठकें लेकर के और उनका वातावरण तैयार किया गया। सबसे पहले गांव में हमने जल प्रबंधन के लिए बोरी बंधान गांव के नाले पर बनाना शुरू किया। शुरू में तो हमारे साथ विद्यालय के बच्चे और कुछ लोग आते थे, लेकिन जब उसका प्रभाव देखने को मिला
तब पूरा गांव हमारे साथ उस जल प्रबंधन में हर वर्ष आने लगा और उस गांव में हर वर्ष जल महोत्सव मनाया जाता है। बरसात के बाद में यहां पर जो नदी नाले बह रहे हैं उसको स्टाप डैम के माध्यम से, बोरी बंधन के माध्यम से सारे गांव के लोग मिलकर के और रोकते हैं। तो सबसे पहले हमको यही समस्या है कि गाँव के लोगों की और मानसिकता तैयार हो। जब गाँव के सब लोग तैयार हो जाते हैं तो फिर सारी समस्याएँ ये गाँव की अपने आप समाप्त हो जाएगी। और इसलिए सबसे पहले गाँव के लोगों का मन तैयार करना। इस पानी का उपयोग फसलों में किया जाने लगा, साथ ही साग सब्जियां उगाने में भी इसका उपयोग होने लगा। इसके अलावा भविष्य में मछली पालन, बतख पालन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। गांव में दो ही हैंडपंप थे, काफ़ी दूरी पे थे। अगर वो ख़राब हो जाते थे तो फिर तो बहुत मुश्किल होती थी। और अगर कुआ था जिसमें कुएं से लाते थे और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वाटर लेवल बढ़ा और फिर गड्ढे भी खुदवाए कि पानी की बचत हो, और फिर उसके बाद में दो नल और सक्सेस हुए यहाँ पे, तो अब पानी की सुविधा है। कृत्रिम जलाशय बनाने की इस प्रक्रिया का फायदा ये भी हुआ कि जमीन के नीचे का वाटर लेवल पहले से ज्यादा था, जिससे सिंचाई और रोजमर्रा के बाकी कामों के लिए भी पानी उपलब्ध था। वैसे तो वाटर हार्वेस्टिंग के कई तरीके हैं, पर बोरी बंधान जैसी नवाचार पद्धति से पानी का संरक्षण करना ये बताता है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर हम अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और भविष्य में आने वाली भयावह स्थिति से बचा जा सकता है। मोहन नागर की दृढ़ इच्छा शक्ति, IIT जैसी संस्थाओं का सहयोग, गांव वालों के प्रयास और विज्ञान के सरल और महत्वपूर्ण प्रयोग ने जहां एक तरफ गांव की मूलभूत समस्या बिजली और पानी से निजात दिलाई, तो वहीं दूसरी तरफ एक सशक्त और आत्मनिर्भर गांव के रूप में बांचा ने अपनी पहचान बनाई। विश्व पटल पर खुद को अंकित कर देने वाली यह पहल सरकार और दूसरे गांव के लिए एक आदर्श का रूप भी प्रस्तुत करती है।